मार्केट में एक न्यू NCD ओपन हो रहा है। इस बार ये जो NCD ओपन हो रहा है ये इंडिया पुल्स हाउसिंग फाइनेंस के तरफ से ओपन हो रहा है, और ये NCD आज की डेट से यानी कि 6 सितंबर से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि NCD होता क्या है। तो NCD होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। यहाँ पर NCD में जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक तरीके से अपने पैसे को कंपनी को दे रहे हैं लोन के रूप में, और यहाँ पर एक तय समय सीमा के बाद कंपनी हमारे पैसे को हमें वापस रिटर्न कर देगी, और जब तक कंपनी हमारे पैसे को रिटर्न नहीं करती तब तक हमें एक कूपन रेट प्रोवाइड किया जाएगा। कूपन रेट मतलब हो जाता है एक इंटरेस्ट अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे। साथ में यहाँ पर जब आप NCD में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो बिना डीमैट अकाउंट के आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप डीमैट अकाउंट में अपने NCDs को होल्ड करते हैं तो जो इंटरेस्ट आपको पेमेंट किया जाता है उस इंटरेस्ट पे आपका कोई भी TDS डिडक्शन नहीं होता है। तो सबसे मेन बेनिफिट ये हो जाता है, जैसे इनकेस आप FD में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक TDS डिडक्शन होता है, लेकिन जब आप NCDs में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी TDS डिडक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस NCD के बारे में। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको वेबसाइट पर ही लेकर आ गया हूँ moneysafe.com पर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जैसे देखा जाए तो यहाँ पर आप जैसे देखिए, यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस NCD ओपन कर रही है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा या फिर कहे कूपन रेट, तो वो 8.42 से लेकर 9.75% तक का प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर जो इशू साइज है वो 1,000 करोड़ रुपए का है। साथ में यहाँ पर जो इशू ओपनिंग पीरियड है वो सितंबर 6 से लेकर 20 सितंबर तक है। और यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है क्रेडिट रेटिंग का, तो यहाँ पर जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को रेटिंग मिला है वो क्राइसल के तरफ से डबल ए स्टेबल का रेटिंग मिला है, और BRRR से भी डबल ए रेटिंग मिला है। साथ में यहाँ पर जो NCDs इशू होंगे वो सेकेंडरी मार्केट में भी लिस्टेड होंगे जैसे कि NSE और BSE पर। तो आप चाहे तो इन NCDs को मार्केट में बेच कर निकल भी सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े तो। तो ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स हो गए इस NCD के बारे में। अब जैसे कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि कंपनी क्या है और क्या कहती है। तो यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2005 के समय में एज पर कंपनी एक्ट 1956। फिर बाद में यहाँ पर कंपनी का मर्जर हो गया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से और इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज से। इन दोनों कंपनी का मर्जर हो गया 2012 के डेट के हिसाब से, और ये कंपनी आज के डेट में फाइनेंशियल सर्विसेज में भी डील करती है और हाउसिंग फाइनेंस में भी डील करती है। तो इससे यहाँ पर समझ में आता है कि इस कंपनी का बिजनेस हाउसिंग फाइनेंस में भी है और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। यहाँ पर जैसे आप देखें बिजनेस ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा एज पर 31 मार्च 2021 हाउसिंग लोन एंड नॉन हाउसिंग लोन्स कंस्टिट्यूट 65% टू 35% रेस्पेक्टिवली ऑफ कंसोलिडेटेड एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब इनका 65% जो लोन है एडवांसेस है वो हाउसिंग लोन के लिए है, और जो अदर 35% है ये अदर लोन्स के लिए है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर कंपनी पहले दो थी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर जैसे इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, लेकिन 2012 के हिसाब से दोनों कंपनी आपस में मर्ज होकर एक कंपनी बन गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो मेजर पोर्शन है 65% वो हाउसिंग फाइनेंस के लिए, और 35% जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ा पोर्शन है वो नॉन हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में लगा हुआ है। यहाँ पर अब जैसे कंपनी के डिटेल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी के पास 135 ऑफिसेस है 92 सिटीज़ में, और इनके जो एम्प्लॉयज़ है वो 1363 एम्प्लॉयज़ है। साथ में ये अपना बिजनेस डायरेक्ट सेल्स टीम से भी कराते हैं या फिर हम कह सकते हैं DSA से भी। अब जैसे फाइनेंशियल अगर हम कंपनी का देखें तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी निराशा होगी। यहाँ पर जैसे आप देखिए, यहाँ पर जो फिजिकल ईयर 21-20-19 के लिए जो कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन वो डिक्लाइन हुआ है। जैसा कि आप देखिए, यहाँ पर जो 2019 के समय में रेवेन्यू था वो 17,000 करोड़ था, फिर 2020 के समय में 13,200 करोड़ और 2021 के समय में 9,927 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू देखकर हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। साथ में यहाँ पर अगर इनका प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है इनका।
जैसे 2019 के समय में 4090 करोड़ था, 2020 के समय में 2199 करोड़, और 2021 के समय में इनका जो रेवेन्यू था, इनका जो प्रॉफिट था, वो 1201 करोड़ हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम NPS देखें, तो यहाँ पर NPS भी कंपनीज के बढ़े हैं। जैसे आप देखिए 2019 के समय में यहाँ पर NPA 0.88% था, 2020 के समय में 1.84%, 2021 के समय में 2.66%, और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से यहाँ पर जो ग्रॉस NPA है वो 2.86% हो गया। मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी आती जा रही है, आप ये देख कर समझ सकते हैं। साथ में यहाँ पर NPS में भी सेम तरीके से बढ़त हुई है। यहाँ पर आप देखिए 0.69% पहले था, और अभी के समय में 1.59% लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, अब क्वार्टर वन के हिसाब से 1.55%। अब यहाँ पर जब भी NPA बढ़ते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कंपनी अपने पैसे को और जो बोरोअर्स के पैसे हैं उनको ठीक से मैनेज नहीं कर रही है, इसकी वजह से यहाँ पर कंपनी के NPS बढ़ गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का वो 4.2 है। मतलब यहाँ इक्विटी के रूप में कंपनी 1 रुपये दे रही है, और बोरोइंग के रूप में या फिर लोन के रूप में 4.2 रुपीज़ ले रही है। और इस इशू के बाद यहाँ पर जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा वो 4.26 का हो जाएगा। यहाँ पर जनरली देखा जाता है NBFC कंपनीज के डेप्ट टू इक्विटी रेशियोज ज़्यादा ही होते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि NBFC कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो, क्योंकि NBFC कंपनीज का काम ही होता है लोन के रूप में पैसा लेना और फिर उस पैसे को लोन के रूप में देना। साथ में यहाँ पर डिविडेंड के डेटा देखें, तो डिविडेंड के डेटा से भी हमें देखकर समझ में आ रहा है कि कंपनी ने अपने डिविडेंड को रिड्यूस किया है, क्योंकि रेवेन्यू भी इनका कम हो रहा है, साथ में प्रॉफिट भी कम हो रहा है, इसलिए इनका डिविडेंड भी कम हो रहा है। अब जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ इशू हम देखें कि मतलब जैसे NCD क्यों कंपनी ला रही है, ये डिटेल्स अगर हम देखें तो कंपनी दो कारणों से ये NCD ला रही है। यहाँ पर पहला कारण हो जाता है कि ये NCD का पैसा यूज करेंगे ये लोग एग्जिस्टिंग लोन के रिपेमेंट के लिए, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर 75% पैसा इसी काम में यूज होगा, और साथ में यहाँ पर ऑनवर्ड लेंडिंग यानी कि इन पैसों को ये और लोन के रूप में देंगे और उस पैसे पर इंटरेस्ट कमाएंगे, और बाकी का जो 25% का पैसा बचता है उस पैसे को ये जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए यूज करें। ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है ये नॉर्मली हर एक NCD के साथ सेम ही रहता है, तो इसमें हम कुछ अलग एक्स्ट्रा चेंजेस हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब जैसे बात करते हैं हम यहाँ पर इशू साइज की, मतलब कि NCD जो इशू किया जा रहा है वो कितने करोड़ रुपए का इशू किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो बेस इशू साइज हो जाता है वो 200 करोड़ रुपए का हो जाता है, और जो ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट किया जाएगा वो 800 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो इस हिसाब से जो एग्रीगेट इशू साइज है वो 1000 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर कंपनी 1000 करोड़ रुपए जब भी उठा लेती है तो उसके एक से लेकर दो दिन के अंदर NCD क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इशू पीरियड जो है वो 6 से लेकर 20 सितंबर तक है। मान लेते हैं अगर 10 सितंबर तक यहाँ पर कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो इशू क्लोज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जल्दी कर लीजिएगा ताकि आप अपने NCD को सिक्योर कर सकें। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट की, जो कि है इशू स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जैसे इशू स्ट्रक्चर में आप देखिए, तो यहाँ पर जैसे आप देखिए यहाँ पर टोटल 10 सीरीज के NCD इशू किए जा रहे हैं। यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट वाला NCD है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट वाला NCD है, और मंथली इंटरेस्ट पेमेंट वाला NCD है। इन तीनों इंटरेस्ट पेमेंट वाले NCDs में मंथली इंटरेस्ट पेमेंट वाला NCD सबसे ज़्यादा सेफ होता है, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट वाला NCD सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, आप ये बात ध्यान में रखना। साथ में यहाँ पर टीनर अगर देखें तो हर एक NCD का एक अपना टीनर है। मतलब टीनर मतलब ये हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल में जान लीजिए, जैसे 24 मंथ का टीनर है तो मतलब 24 मंथ के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट किया जाएगा। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 24 महीने बाद आपको 10,000 रुपये पेमेंट किए जाएंगे, और इस हिसाब से जो मैक्सिमम टीनर है वो 87 मंथ्स का है। मतलब 87 मंथ्स बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट किया जाएगा, और जब तक रीपेमेंट नहीं हो तब तक एक इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा जो कि इस कूपन के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पर टीनर में भी आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि टीनर जितना ज़्यादा रहता है रिस्क उतना ही ज़्यादा रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को पैसा देते हैं तो वो कम रिस्की होता है, और जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप कंपनी को पैसा देते हैं वो उतना रिस्की होता है। अब इस रिस्क पोर्शन की वजह से क्या होता है कि जो कूपन रेट होता है वो लॉन्ग टीनर वाले NCDs में ज़्यादा रहता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग टीनर वाले NCDs में सबसे ज़्यादा कूपन रेट है। ये जो कूपन रेट है इसमें हमें कैटेगरी थ्री और फोर को हमें सिलेक्ट करना, क्योंकि कैटेगरी थ्री और फोर में ही रिटेल इन्वेस्टर और HNI आते हैं। तो अगर कूपन रेट के हिसाब से देखा जाए
तो कूपन रेट के हिसाब से यहाँ पर अनसिक्योर्ड एनसीडीज में 9.75% का हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड किया जा रहा और सिक्योर्ड एनसीडीज में 9.25% का हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा और यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है ये एनुअली है और यहाँ पर भी एनुअली है। अब जैसे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के बारे में आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, सिक्योर्ड का मतलब हो जाता है कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में कुछ कोलेट्रल के रूप में रखा जा रहा है ट्रस्टी के पास, और अनसिक्योर्ड का मतलब हो जाता है कि कोई भी कोलेट्रल कंपनी नहीं दे रही है ट्रस्टी को। यहाँ पर इन दोनों में भी जो सेफेस्ट है वो सिक्योर्ड वाला होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट वाले एनसीडी में क्या होता है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है वो एट दी टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर रिडम्पशन किया जाता है। इसलिए जो 24 मंथ का सीरीज है वहाँ पर रिडम्पशन के समय में 1182 रुपये यानी कि 1182 रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे और 36 महीने वाले क्यूमुलेटिव एनसीडी में 1295 रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट वाला एनसीडी उनके लिए ज़्यादा बढ़िया हो जाता है जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अब जैसे अदर डिटेल्स हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए जो अनसिक्योर्ड एनसीडी है वो सब ऑर्डिनेटेड डेप्ट है और ये टायर टू का कैपिटल है। टायर टू का कैपिटल बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, यहाँ पर कंपनी के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो कैपिटल को अपने राइट ऑफ कर सके, ठीक है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो आपको सजेस्ट करूँगा सिक्योर्ड वाले में ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना। अब जैसे अदर इशू डिटेल्स हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 एनसीडी का है, यानी कि 10,000 रुपये आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 6 से लेकर 20 तारीख तक आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और जो एप्लीकेशन टाइम है वो 10 बजे से 5 बजे के बीच में है। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन मीडियम से एक ऑफलाइन मीडियम से। तो ऑनलाइन मीडियम में आप अपने नेट बैंकिंग का आसवा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एनसीडी में इन्वेस्ट करने के लिए इस नंबर पर। अब जैसे अगर आपको ऑफलाइन इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर कंक्लूजन की कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी एनसीडी से तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलिए। अगर आप इसी कंपनी में अपना पूरा पैसा ढाल देंगे 100% का तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके चलिए जिससे आपका जो कैपिटल पर रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीडीज में भी डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे कि DHFL के केस में हुआ था। अगर आप एनसीडी डिफ़ॉल्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसलिए सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम 10% ही इन्वेस्ट करें किसी भी पार्टिकुलर कंपनी में और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलिए। मार्केट में कई सारे एनसीडीज ओपन होते रहते हैं हर समय, तो आप उनमें भी अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके ढाल सकते हैं। जैसे कि अभी के समय में 3 एनसीडी ओपन है, कोस्मार्टम फाइनेंस, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और मुठूटू मिनी फाइनेंस। इन 3 एनसीडीज में भी आप थोड़ा पैसा डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे हो तो जरूर लाइक करें।